उत्तर के कपास उत्पादक राज्यों विशेषकर की पंजाब और राजस्थान में नर्मा कपास की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जबकि हरियाणा की मंडियों में भी MSP से काफ़ी अधिक दरें देखी जा रही हैं। अगस्त और सितंबर महीनों में हरियाणा के कपास बेल्ट में अतिरिक्त बारिश होने के साथ ही कुछ हिस्सों में पिंक बॉलवर्म कीट के हमले से कपास के उत्पादन पर असर पड़ा है, जिसके चलते इस साल क्षेत्र में किसान पिछले 5 वर्षों में कपास के सबसे कम उत्पादन होने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में इसी बीच कपास की कीमतों में उछाल आया है। वहीं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI और इंडियन कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड ICAL के अनुसार इस साल पंजाब में 3.03 लाख हेक्टेयर सहित उत्तरी क्षेत्र में कुल 16.99 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पंजाब में लगभग 52,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ा है, जबकि हरियाणा में 6,88,000 हेक्टेयर, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49,000 हेक्टेयर कम है, और राजस्थान में 7.08 लाख हेक्टेयर, ऊपरी और निचले राजस्थान में 3.44 लाख हेक्टेयर और 3.64 लाख हेक्टेयर शामिल हैं। राजस्थान में इस वर्ष फसल के तहत 1 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में खेती की गई थी, क्योंकि पिछले साल राज्य में कपास का रकबा 8.08 लाख हेक्टेयर था। तीनों राज्यों के कपास क्षेत्र के कई हिस्सों में पिंक बॉलवर्म के हमले के बाद बारिश से नुकसान होने के चलते इन तीनों राज्यों से इस साल करीब 52.89 लाख गांठ उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 10 लाख गांठ कम होगा। वहीं पंजाब से 10 लाख गांठ, हरियाणा से 16.5 लाख गांठ और राजस्थान से 28 लाख गांठ उत्पादन की उम्मीद है। ICAL के आंकड़े बताते हैं कि इस साल उत्तरी राज्यों में पिछले 5 वर्षों में सबसे कम उत्पादन होगा। रिकॉर्ड के अनुसार 2017-18 में 3 राज्यों में कपास का रकबा 16.71 लाख गांठ था और उत्पादन 57.79 लाख गांठ। 2018-19 में कपास के तहत ये आंकड़ा 15.31 लाख गांठ था और उत्पादन 60.08 लाख गांठ। 2019-20 में 3 राज्यों में 18.67 लाख गांठ कपास के अधीन था और उत्पादन 59.94 लाख गांठ था। पिछले साल फसल का रकबा कम होने के बावजूद पंजाब का उत्पादन उम्मीद से ज़्यादा रहा। इस साल फसल के तहत 5,20,000 हेक्टेयर अधिक होने के बाद भी पंजाब में कम उत्पादन का मुख्य कारण पिंक बॉलवर्म है, जहां कपास के लिए दरें 5,925 रुपये प्रति क्विंटल के MSP के मुकाबले 7,700 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर हैं। कीमतों में तेजी का एक नया कारण चीन से कपास की भारी मांग भी है, जो कपास की फसल का सबसे बड़ा आयातक देश है। उत्पादन में गिरावट के कारण स्थानीय उद्योग भी उतना ही खरीदना चाहते हैं जितना मंडियों में कपास उपलब्ध है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि कपास के बड़े स्टॉकिस्ट भी कपास खरीद रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कपास की कीमतें अधिक हैं, क्योंकि महामारी के कारण स्थिरता के बाद कपड़ा उद्योग में अब तेजी से सुधार हो रहा है। बांग्लादेश और वियतनाम जहां कपड़ा उद्योग में तेजी आएगी और चीन में मांग बहुत अधिक होगी, जिससे देश द्वारा और आयात किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि स्थानीय बाजार से उच्च मांग है और गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि सहित अन्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में भारी वर्षा के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।